हम बच्चा जी अंकल जी के मकान पे। सबसे बड़ी बात भाई है, बहुत ही अच्छे इंसान है और हम तो ये चाहते हैं जो हमारे किसान भाई है वीडियो देखते हैं भाई अपने बड़े बुढ़ों की जमीन छोड़ के ना जावे किस और अपना गांव के अंदर मकान बना। अच्छा बीबी है, अरे बीबी सत श्री अकाल जी। हाँ तो बीबी ने कढ़ी बना रखी, मौज कर रखी। ये देखो भाई है बीबी बना रखी। तो भाई ट्रैक्टर इससे पहले जी और भी रखा है जी? अच्छा वो कौन सा अंकल जी? अच्छा अच्छा तो देखो भाई ये ट्रैक्टर है जी, ये कौन सा मॉडल होगा जी? ये 18। अच्छा अच्छा ये देखो भाई तो ट्रैक्टर में कौन सा में मजा आवा जी चलाने में? हमें तो बड़े ट्रैक्टर ही पसंद है, जो छोटे वाले लोड पाने हैं। अच्छा अच्छा यार हमने देखा जो सरदार लोग है वो ज्यादातर फार्म टैग रखा है ज्यादातर। अपना तो महेंद्र ही है जी स्टार्टिंग से। देखो भाई ये अपना महेंद्र रखा है इन्होंने और एक कुत्ता ही पाल रखा है, ये तो जर्मन शेफर्ड का दिखा है कुत्ता, एक ये है पाकिस्तानी बुली है। अच्छा अच्छा तो किसान भाई हो ये देख सकते हैं इधर साइड में हमारे अंकल जी का मकान है, थोड़ा सा आपको इधर से दिखाते हैं। अभी तो कंस्ट्रक्शन है मकान। अच्छा अभी काम चल रहा है जिसमें, तो देखो भाई हो ऊपर लिखा हुआ भी है एक ओमकार, ठीक है। ये देखो भाई तो बाहर के मिस्त्री कर रहे होंगे जी यहाँ के अंकल जी? ये मीरापुर का है ठेकेदार पप्पू नाम का। अच्छा अच्छा ये देखो भाई हो ये गोरा पाकिस्तान बुल्ली के नाम जिन्हें से लाया तो देखो कहता थोड़ी हो कुछ? अच्छा ये देखो भाई बिल्कुल शुद्ध है जी, थोड़ा सा आपको इधर से दिखाते हैं अब अंकल जी का, ठीक है। और अपना साथ साथ अंकल जी खेती बाड़ी करते होंगे जी, किसान ही हो हैं? हाँ खेती बाड़ी, ठीक है जी। इधर साइड में इनके कृषि यंत्र हो गया, ठीक है भाई हो। तो बहुत ही अच्छे इंसान है और हमारे लिए समय निकाला 2 मिनट के लिए, ठीक है। ये देखो भाई तो एक बार हम आपको इधर से दिखाना चाहेंगे जी अंकल जी, ये देख सकते हैं अब इसमें काम चल रहा है अंकल जी, तो अभी तो इसमें 2-3 साल और लग जाएंगे जी कम्प्लीट होने में। अच्छा ये क्या चीज है जी? ये बैठक है। अच्छा ये बैठक है। अच्छा तो दोस्तों अभी ये अंकल जी बता रहे हैं कि अभी ये कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और जैसे ये कंप्लीट होएगा तो हम इसका एक पार्ट 2 बनाएंगे आके फिर, ठीक है जी। थोड़ा सा आपको इधर से दिखाते हैं जी अंकल जी एक बार, थोड़ा सा हम पहुंचे जी अंकल जी के मकान पे। सबसे बड़ी बात भाई बहुत ही अच्छे इंसान है और हम तो ये चाहते हैं जो हमारे किसान भाई है वीडियो देखते हैं भाई अपने बड़े बुढ़ों की जमीन छोड़ के ना जावे किस और अपना गांव के अंदर मकान बना। अच्छा बीबी है, अरे बीबी सत श्री अकाल जी। हाँ तो बीबी ने कढ़ी बना रखी, मौज कर रखी। ये देखो भाई बीबी बना रखी। तो भाई हमारी भी दद्दी थी, माँ के हाथों का खाना तो अलग ही बात है, ठीक है। ये देख सकते हैं ये हमारे अंकल जी का मकान है, अभी अंकल जी बता रहे कि इसमें अभी टाइम लग जाएगा, अभी काम ही चल रहा है ऊपर, तो ऊपर चलते हैं एक बार। आ जाइए अंकल जी, देखो भाई जिन्ना कितना बढ़िया बनवा रखा जी, ये देखो दोस्तों आ जाओ। तो दोस्तों आपको एक बार ऊपर से दिखाते हैं अंकल जी, इतने कमरे नीचे बन रहे इतने ऊपर बना रखोगे? थोड़ा सा चेंज है बस। अच्छा तो वैसे बढ़िया बना रखा अंकल जी ने, ठीक है। और दोस्तों मेहनत लगा है भाई मकान बनाने में भी, और ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर कमरे हैं। ये देखो भाई जस्ट इधर साइड भी एक कमरा है जी, मिस्त्री आ रही ने दिखा भी है अंकल जी। अच्छा अच्छा तो दोस्तों इस पर अंकल जी वाइट ही कलर कर भैया, वाइट ही जचेगा इस पर। तो दोस्तों इधर से देख लो एक बार, ये लिखवाया है अंकल, ये तो अपने उससे लिखवाया होगा आपने। ये देखो दोस्तों कितना बढ़िया है जी मकान, और ये हमारे सरदार जी का मकान है। सरदार जी आपका गांव है जी है? हाँ, ये यहाँ की वोटिंग कितनी होगी सरदार जी? अच्छा अच्छा ये देख लो भाई जीटी रोड पे मकान है अपने सरदार जी का, ठीक है। तो ये देख सकते हैं भाइयों गांव की जिंदगी है भाइयों, और बहुत ही सुंदर तरीके से बना रखा है, देखो तो ठीक है जी। हाँ जी दिखाइए। हाँ जी हाँ जी जो बैक साइड से जा रहा है। अच्छा आपके इधर से तो उसमें खेत वगैरह गए आपके? हाँ अपनी भी थोड़ी बहुत आई थी। अच्छा अच्छा तो दोस्तों अंकल जी बता रहे कि इधर साइड में हाईवे निकल रहा है जस्ट इनके मकान के जो पीछे इधर साइड में। हाँ हाँ फिर तो अंकल जी यहाँ तो समझो फिर बढ़े जाएंगे मकान आ गया सर अभी। हाँ हाँ इसके कोने से जा रहा है वो जो खेत है उन्होंने ग्रांट किया है बीच में, ये इधर से नू जाएगा उधर तक जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर साइड में अंकल जी ने सोलर लाइट लगवा रखी है, ठीक है। तो बढ़िया काम करते हो जी, ये देखो दोस्तों। और इधर साइड में अंकल जी के पशुधन है जी, ये देख लो, ठीक है। अंकल जी बता रहे कि इनके पिताजी के टाइम पे बहुत सारी भैंसें थी अंकल जी, तो दूध वगैरह आप ही निकाल दो जी इनका। अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ जी
तो अंकल जी खेती बाड़ी की बात करी जाए तो खेती बाड़ी कर रहे कैसा है? खेती बाड़ी तो पापा जी देखते हैं। अच्छा पापा जी यार, तो दोस्तों ये देखो भाई जिन्ने का कितना बढ़िया है, ऊपर से तो पूरा गांव चमक देखता होगा। एक बार ऊपर से दिखा देते हैं भाइयों, पूरा गांव दिखाते हैं आपको। और 4000 वोटिंग है जी, 4000। अच्छा अच्छा, टिकोला गांव और आपका गांव मिला वही गांव समझो है। तो भाइयों एक बार हम आपको इधर से दिखा दें, यहां से चमकेगा जी क्लियर। इधर को जाएगा वो हाईवे, दोस्तों इधर से जाएगा, अंकल जी बता रहे कि 12 से यहां से निकलेगा सीधा। ये देखो भाई, फिर तो यहाँ शोर शराबा रहेगा। देखो भाइयों, वो पता नहीं चलता ना किस्मत का, कब पलट जा। ठीक है भाइयों, तो इसमें तो सारा बाग जाओगे अंकल जी, वो भी ये बाग से पल्ली साइड सारा है। अच्छा अच्छा, ये देखो भाइयों यहाँ से पूरा गांव देख लो। तो गांव टोटल 7000 का ही है जी अंकल जी? तो सारी बिरादरी है, जाट भी होंगे? हाँ जाट भी है, पंजाब वाले। अच्छा अच्छा, देखो भाई किसान ने ऊपर वो बनवा रखा, क्या बोल रहे हैं, बाज। ये देखो भाई इधर से देखो भाई, पूरा मकान गांव चमक रहा जी। और आज हम पहुंचे थे, हमने आपको दिखाया सरदार जी का मकान, और बहुत ही अच्छा लगा अंकल जी से मिलकर। अंकल जी बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। और हम तो एक बात कहते हैं भाइयों, मेहनत करो कोई सही फील्ड हो, और तरक्की ईश्वर जरूर देता है अगर आप लग के मेहनत करते हैं किसी फील्ड में। ठीक है जी।